हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बताया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स है जिसमें कहा गया कि उन्हें वो एग्जांपल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं। मेनली उन्हें प्रॉब्लम आ रही है डेल के की वैल्यू निकालने में। तो इस वीडियो में मैं इसे और भी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफर फंक्शन वी हैव मेंशन गेन फार्मूला। मेंशन गेन फार्मूला इज नथिंग बट द समीशन ऑफ पी के इन टू डेल के डिवाइड बाई डेल, वेर द वैल्यू ऑफ के इज फ्रॉम 1 to n। टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन इन एस एफ जी वी हैव 5 steps। द फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिन फॉरवर्ड पाथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फॉरवर्ड पाथ इज नथिंग बट अ पाथ that connect the input node to the output node such that no node is repeated। तो इस तरह का जो पाथ होगा वो होगा फॉरवर्ड पाथ। और इस तरह के पाथ में जो भी गेन होंगे, एसोसिएट गेन होंगे, उनके प्रोडक्ट को हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास गेन है 2, यहाँ पे हमारे पास गेन है 4, तो इनका प्रोडक्ट होगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन होगा 8। द सेकेंड स्टेप इज डिटरमिन लूप्स। लूप्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसा पाथ जो एक ही नोड से चालू होता है और उसी नोड पे एंड होता है, इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं लूप। एंड द थर्ड स्टेप इज फाइंड नॉन टचिंग लूप्स पेयर। एंड द फोर्थ स्टेप इज नॉन टचिंग ट्रिपलेट। टू फाइंड द नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स। एंड द फिफ्थ स्टेप इज कैलकुलेट डिटरमिनेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग ट्रिपलेट एंड प्लस सो ऑन। हमारे गेट के एग्जाम में नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स आगे हमें नहीं पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमें ये फार्मूला यहाँ तक ही याद रखना है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी डेल के की वैल्यू निकालने में। तो अगर डेल के को मैं डिफाइन करूँ तो डेल के इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डेल बाई एलिमिनेटिंग ऑल लूप गेन एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट विच आर टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसे समझाना चाहूँ तो किसी भी फॉरवर्ड पाथ में जो एसोसिएटेड नोड्स होंगे, उन नोड्स को छोड़ के जो रिमेनिंग नोड्स हमारे पास बचेंगे, उस रिमेनिंग नोड्स से बचे ग्राफ के लिए हम अगर डेल की वैल्यू निकालें तो उसे हम बोलेंगे डेल के। इसे एक एग्जांपल से क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिटरमिन फॉरवर्ड पाथ। तो इस लूप के लिए देखें तो हमारे पहला फॉरवर्ड पाथ होगा हमारे पास ये। इस फॉरवर्ड पाथ में एसोसिएटेड गेन होंगे हमारे पास 1, 2, 3, 5, 4, 2 एंड 1। तो हमारे पास जो पहला फॉरवर्ड पाथ मिलेगा, फॉरवर्ड पाथ गेन मिलेगा, वो होगा 240। एंड द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ इज दिस। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटेड गेन होंगे 1, 2, 6, 2 एंड 1। तो इस तरह से हमारे पास फॉरवर्ड पाथ 2 के लिए गेन निकलेगा 24। जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो था डिटरमिन लूप्स। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो पहला लूप है वो है ये, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लूप है ये, एंड थर्ड लूप है हमारे पास ये। इन लूप्स के लिए हमारे पास गेन होगा, फर्स्ट लूप का गेन होगा 2 into 3 दैट इज 6, सेकेंड लूप के लिए गेन होगा 5 into 1 एंड थर्ड लूप के लिए गेन होगा 2 into 2। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेप थी वो थी फाइंड नॉन टचिंग पेयर ऑफ लूप्स। यहाँ पे आप देखें तो पहला नॉन टचिंग पेयर है हमारे पास 1 and 2 का, एंड सेकेंड नॉन टचिंग लूप पेयर है हमारे पास 2 and 3, एंड थर्ड नॉन टचिंग लूप पेयर है हमारे पास 1 एंड 3।
इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप थी डिटरमिन नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स। यहाँ पे हमारे पास एक ही नॉन टचिंग ट्रिपलेट है, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हमारी फिफ्थ स्टेप थी डिटरमिन डेल। डेल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, यहाँ पे इंडिविजुअल लूप गेन होगा हमारे पास 6, 5 एंड 4, तो 1 माइनस 6, 5 एंड 4 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर। यहाँ पे आप देखें नॉन टचिंग लूप हमारे पास ये थे, इनके गेन के प्रोडक्ट होंगे। पहला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 30, एंड जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 20, और फर्स्ट एंड थर्ड के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 24। इसके बाद माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स। यहाँ पे हमारे पास एक ही ट्रिपलेट है, इन तीनों लूप के गेन के प्रोडक्ट होंगे 120। तो इस तरह से हमें डेल की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेल 1 एंड डेल 2। डेल 1 निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पाथ में एसोसिएटेड जो नोट होंगे उनके अलावा जो रिमेनिंग नोट्स बचेंगे हमारे पास, उन रिमेनिंग नोट से बने ग्राफ के लिए जो डेल की वैल्यू निकलेगी उसे हम बोलेंगे डेल के। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड पाथ 1 है ये। यहाँ पे आप देखें इस ग्राफ के सारे नोट एसोसिएटेड हैं इस फॉरवर्ड पाथ के साथ में, तो हमारे पास रिमेनिंग कोई भी ग्राफ नहीं बचता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास डेल की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस 0, क्योंकि डेल की वैल्यू होती है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। यहाँ पे हमारे पास कोई भी लूप नहीं बच रहा है रिमेनिंग, तो इसीलिए हमारे पास डेल 1 की वैल्यू निकलेगी 1। इसी तरह से हम फॉरवर्ड पाथ 2 के लिए देखें तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ 2 है ये। इस पाथ के लिए हम देखें तो हमारे पास इस ग्राफ के 6 नोड एसोसिएटेड हैं इस पाथ के साथ में, एंड जो रिमेनिंग 2 नोड्स हैं उन रिमेनिंग 2 नोड से हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है ये वाला। यहाँ पे हम देखें तो हमें एक लूप मिल रहा है, इस लूप का गेन होगा 5। तो यहाँ पे जब हम डेल 1 डेल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 5, दैट इज -4। अब हम इन सारी वैल्यू को मेंशन इन फॉर्मूला में रखें तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा जो होगा P1 × Del1 + P2 × Del2 / Del। यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जांपल रेंडमली रखा है। यहाँ पे मैंने रेंडमली वैल्यू रख दी है कुछ भी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निगेटिव निकल के आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने ब्लॉग पे कुछ MCQ प्रोवाइड किए हुए हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। मैं चाहूँगा आप वहाँ पर जाएँ और उसे डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस करें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्यूरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने ब्लॉग का एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने कनूडिया की बुक भी प्रोवाइड की हुई है, आप उसे भी डाउनलोड करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।